हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रजा अपडेट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मुंबई में चाल का रूम कैसा होता है। इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि चाल का रूम कैसा होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि चाल का रूम कैसा होता है। चाल का रूम जिसमें मजदूर वर्ग जो है चाल के रूम में रहते हैं। चौल के रूम का भाड़ा मिनिमम 2000 से स्टार्ट होता है, जो मैक्सिमम 6 से 7000 तक होता है। वो भी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुंबई के किस एरिया में चौल में रहते हो। नाला सोपाड़ा और विरार में यदि आप चौल में रूम भाड़े पे लेते हो तो आपको 2 से 2500 रुपये में रूम भाड़े पे मिल जाएगा चौल में। बट यही अगर गोरेगांव अंधेरी साइड में लेते हो तो मिनिमम आपको 5000-6000 रूम भाड़ा चौल में लगता है। चौल में रूम का लेंथ जो है 10x20 एंड 20x20 तक का होता है। चौल में रूम बिल्कुल फ्लैट होता है हॉल की तरह, उसमें अलग से ना किचन और ना बाथरूम होता है। ज़्यादातर जो है आपको हॉल की तरह ही रूम मिलेंगे, जिसमें किचन अपने हिसाब से सेट करना होता है और सामान रखने को अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है, और बाथरूम के लिए जो है पब्लिक बाथरूम यूज करना पड़ता है। चौल में पानी जो है मॉर्निंग टाइम में जो है 1.5 से 2 घंटे आता है, जिसमें चौल में रहने वाले लोग पानी को स्टोर करके बोतल में और ड्रम में रख लेते हैं, जिसे पीने और कपड़े धुलने और बर्तन धुलने के लिए दिन भर का पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। मुंबई में दिन पे दिन चौल समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि BMC वहाँ पे बिल्डिंग बना रही है और बिल्डिंग बना करके चौल के रूम के ओनर को जो है बिल्डिंग में शिफ्ट कर देती है, और एरिया बाय एरिया जो है चौल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं।